जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग निकल गए अयोध्या के लिए। यहाँ से जो कि 170 किलोमीटर है। अब हम लोग चलते हैं। जय श्री राम। आपको रास्ते पर दिखाते रहेंगे ब्लॉग। यहाँ से 170 किलोमीटर है हम लोग। हाय गाइस, जा रहे हैं अयोध्या घूमने के लिए। अभी और आपको दिखाएंगे अभी पहली बार जा रहे हैं हम लोग। मंदिर बनने का पहली बार तुम जा चुके हो लेकिन हम नहीं गए है ना भैया। चलो रात को अब बज रहा है, अभी दिखाते हैं आपको। रात को भी बज रहा है, 4:03 हो रहा है। हम लोग निकलने वाले इधर से। तो दोस्तों हम लोग निकल जाते हैं अयोध्या के लिए, जो कि सुबह के 4 ही हम लोग घर से निकल जाते हैं। और बहुत अंदर खुशी है कि हम लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार जा रहे हैं अयोध्या। इसलिए अभी हम लोग रास्ते में हैं। बहुत लोग हमारे सब दोस्त लोग हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों हमें रास्ते में रेलवे फाटक मिल जाता है, जो हमें रुकना पड़ता है कुछ मिनट के लिए। हमारे ड्राइवर साहब नीचे उतर के घूम घूम लेते हैं और धीरे धीरे सुबह भी होती रही है। वैसे भी ड्राइवर साहब हमारे दोस्त ही हैं। सुबह तो हो गया है, उजाला उजाला दिख रहा है। एक्सप्रेस हाईवे, ये रोड बनारस लखनऊ जाती है। अभी हम लोग बदलापुर पहुंचेंगे, 8 किलोमीटर यहाँ से है। जग में कभी संकट मोचन राम बिहारो, संकट मोचन राम। जय श्री राम। भैया अभी हम लोग सुल्तानपुर पहुंचने वाले हैं। अभी पहुंचने वाले हैं। अभी यहाँ पे लग गया है फाटक, रेलवे फाटक है बंद हुआ। तो दोस्तों हमें फिर से मिल जाता है एक रेलवे फाटक और सभी विकास सब सेल्फी फोटो लेने लगते हैं। अभी कुछ टाइम में ट्रेन आ जाएगा तो हम लोग इस अयोध्या की ओर फिर से निकल जाएंगे। टाइम देखिए 6:11। हम लोग निकल गए अभी सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए। तो भैया हम लोग सुल्तानपुर से निकल गए हैं अभी अयोध्या के लिए। जय श्री राम। हम लोग अभी रुके हैं रास्ते में, निकले थे सुल्तानपुर से, आगे रास्ते में शायद नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ से 60 किलोमीटर और है, बस 60 किलोमीटर। हम लोग 1 घंटे पहुँच जाएंगे श्री राम जन्मभूमि। तो दोस्तों यहाँ से राम जन्मभूमि 13 किलोमीटर है, हम लोग कुछ देर में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, हम भैया पहुँच गए अभी। तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं, अभी हम लोग जाएंगे जहाँ कार पार्किंग होता है वहाँ पे जाएंगे, कार पार्क करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे जहाँ पे घाट है वहाँ पे स्नान करेंगे। उसमें स्नान करने के बाद हम लोग निकलेंगे दर्शन करने के लिए और वहाँ पे कार पार्किंग करेंगे। कार पार्किंग का फीस है, क्या चार्जेस है, सब आपको हम बताएंगे।
ठीक है। अयोध्या में आपका स्वागत है, नगर निगम अयोध्या। जय श्री राम। भैया देख लो टाइम अभी कितना बज रहा है, 7:46। हम लोग 4 बजे से निकले थे, अभी जाके अयोध्या नगरी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो दोस्तों हमें वहाँ पे कार पार्किंग का बोर्ड मिल जाता है जो नाम रहता है पार्किंग रामकथा पार्क। हम उस साइड पे चल देते हैं। विकास अभी हवलदार बन गए हैं, ट्रैफिक हवलदार। लोग यहाँ पहुंच गए हैं, गाड़ी उधर पार्क कर दिए हैं, इधर आज पार्किंग है। मैं भी आ गया भाई, इधर से भी छोटा सा भी आ गया, जल्दी आ गया। चलो ये सामान लेके हम लोग चल दिए हैं घाट पे। जय श्री राम भाई, हम पहुँच गए हैं। कोई काम काम करवा सकते हैं आप? कंट्रोल रूम में इधर आप कुछ प्रॉब्लम। हम लोग तुलसीदास घाट पर आ चुके हैं। ये बैग सही नहीं है गाइस, किशन कुमार लिए 1400 में, गैस सही नहीं है भाई। हेलो गाइस, गर्मी का हाल है यहाँ पर? गर्मी तो है भाई, उतना नहीं है। गाइस गाइस कुछ बोलना चाहते हो? हेलो गाइस, हेलो गाइस, यहाँ पे आके बहुत मजा आ रहा है भाई। हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आया हूँ नाम लेके। जय श्री राम। हाय गाइस, हेलो गाइस, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लोग इधर आए नहाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कितना अच्छा फील हो रहा है जब हम लोग आके, हम लोग जब पहली बार आए हैं अयोध्या, पहली बार आए, पहली बार नहाने आए घाट पे, स्वर्ग जैसा फील हो रहा है हम लोगों को यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो गाइस अभी आपको यहाँ पे हम लोग नहा के निकलेंगे कुछ टाइम में। चलो गाइस हम लोग अभी नहा लिए हैं, हम लोग रेडी हो गए हैं, हाथ धो के हनुमानगढ़ी लगा। हाय गाइस, हम लोग नहा लिए चल रहे हैं दर्शन करने। देखिए बात जाने के बाद देखते हैं, अभी यहाँ पे सब सामान रख रहे हैं हम लोग से। हाय गाइस, हम लोग जा रहे हैं, अभी होने के बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे, ठीक है? ओके, यहाँ से 1.5 किलोमीटर उधर बोर्ड पे दिखा रहा है भाई यार, धूप और हनुमानगढ़ी है, उसकी श्री राम जन्मभूमि है 2 किलोमीटर यहाँ से, ठीक है? चलते वहाँ पे, यहाँ पर बहुत धूप है, धूप के कारण सब पसीना हो गया है, बहुत ज्यादा पसीने हो चुके हैं यहाँ पे, बहुत गर्मी है। ठीक है, हम लोग निकलते हैं हनुमानगढ़ी के लिए। अगर हमें ई रिक्शा मिला तो ई रिक्शा करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग पैदल ही जाने वाले हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर। 7 लोग को यहाँ पे 100 रुपये ई रिक्शा ले रहे थे, तो हम लोग पैदल जाने वाले नहीं, देखते हैं। चलो देखते हैं, अभी हनुमानगढ़ी जाने के लिए ई रिक्शा कर लिए हैं। यहाँ पे पैसा भाई 100 रुपये लिए हैं, ठीक है? पीछे वाले सबको दिखा रहे हैं, सब बैठ गए, 2 आगे हैं, हम लोग 3 बीच में हैं। चला जा रही है भाई, यहाँ पे ऊंचा है, थोड़ा धक्का उक्का मारना पड़ता है भाई अगर आप आ रहे हो तो। आपको इधर से फिर हम लोग जा रहे हैं, आपको इधर बोर्ड दिखा देते हैं, इधर पे पार्किंग है और इधर से हमें फिर रिटर्न लेके जा रहे हैं इधर बैक साइड में, अभी फ्रंट करना। हम लोग इधर आ गए हैं हनुमानगढ़ी के पास में, आपको दिखाते हैं ये रास्ता, इधर से जाने का है रास्ता, अभी बोर्ड लगा हुआ है, बाकी सब तो आगे जा रहे हैं, हम ही पीछे हैं। ये देखिए इधर से इधर ऊपर जाना है अपने को। तो भैया हम लोग लगते लाइन में, विकास जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर वहाँ सीढ़ी है, वहाँ से जाना, भीड़ बहुत है।
दर्शन इधर से भी कर सकते हैं, श्री संकट मोचन। साइड से दूसरे साइड से निकलना पड़ रहा है, इधर निकलने का रास्ता इस साइड से। तो दोस्तों हम लोग हनुमानगढ़ी दर्शन करके यहाँ से पीछे साइड से रास्ता रहता है जो हमें दूसरे साइड से निकालते हैं, फिर वहाँ से हम लोग फिर नीचे उतर के जाने वाले राम जन्मभूमि पे। पानी आपको इधर से जो हनुमानगढ़ी का मंदिर वहाँ पे लाइन लगता है, इधर आएंगे तो शुद्ध पानी मिलेगा आपको, शीतल जल देख सकते हैं। ठीक है, इधर रास्ते में ऐसे माता जी, माता की मूर्ति, राम जन्मभूमि का ये पहला गेट है, यहाँ से एंट्री होता है। बैग सब यहाँ पे आगे स्कैनिंग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए बहुत लंबी तादाद में यहाँ पे भीड़ है, बहुत ज़्यादा। वहाँ सब लॉकर है, बैग, शूज, चप्पल और सब मोबाइल वोबाइल सब लॉकर यहाँ पर, यहाँ सब लॉक हो जाए, जमा हो जाता है। उसके बाद अब हम लोग जन्मभूमि में मतलब श्री राम जी का दर्शन करने एंट्री करेंगे। करके कैमरा दिखाते हैं, यहाँ पे चप्पल अपना स्लीपर शूज सब जमा कर सकते हैं। इधर पहली बार आया लेकिन इतना भीड़ है, अभी पहले विकास बोल रहा था कि अभी यहाँ पे भीड़ कम था लेकिन अभी ज़्यादा है इस टाइम पे, ये मई का महीना है। ठीक है, इधर पे देखिए पूरा पब्लिक ही पब्लिक है। अभी हम लोग लॉकर की इधर है, तो चप्पल ये सब जमा करने वाले हैं। मनोज, जय श्री राम, जय श्री राम। आप देख सकते हैं इधर पे आपको टोकन एक मिलेगा, दिया जाएगा आपको, फिर जाते टाइम आपको रिटर्न उनको देना पड़ेगा, जो लॉकर से आपको शूज ये सब दे देंगे। ठीक है, हम लॉकर में आके मोबाइल ये सब जमा करेंगे, इसके आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, इधर पे शायद मोबाइल वोबाइल जमा कर देंगे। डिपॉजिट द ब्लॉकिंग योर डिप्रो मनी आईडी एटीएम ज्वेलरी, आप कुछ भी रखना चाहते हो तो इधर रख सकते हैं। हम लोग बाहर निकल गए अभी, सब प्रसाद जो बाहर से लेंगे आप, प्रसाद मोबाइल स्मार्ट वॉच सब आपको जमा करना पड़ेगा लॉकर में, आपको एक चाबी दिया जाएगा जो सीखने का वक्त रहेगा। ठीक है, अभी निकल गए हम लोग बाहर, और एक दो रुपये का डिस्काउंट नहीं कर रही है। ठीक है, एक बार और कुछ बोल दे फिर से, एक भी सामान मत लेना। ठीक, दुकान से एक भी सामान मत लेना, 10 रुपये तक नहीं छोड़ रही है। ये आप आइएगा तो इनके यहाँ से लीजिएगा, नाम श्री अंजनी नंदन भोग प्रसाद, यहाँ बहुत अच्छे दाम में, अच्छे दाम में मिलता है प्रसाद, आपको मिल जाएगा भगवान को। अंकल जी, अंकल जी एक बार ये वीडियो में लाइक कर दीजिए। जय श्री राम। हम लोग अभी निकल गए अपने जा रहे गाड़ी के पास में, ये आप है लता मंगेशकर चौक, वहाँ पे जहाँ पे ये सीन देख रहे हो आप, हनुमानगढ़ी का मेन गेट यही है, ये देखिए, और हनुमानगढ़ी का ये मेन गेट है। अपन आए थे बैक साइड से। ठीक है, ये मेन गेट है, इधर से एंट्री करते हैं। 1.6 किलोमीटर, यहाँ पे 1.5 किलोमीटर चलकर हम लोग जाने वाले हैं अपने बोलोरो या फिर कार के पास, जहाँ पे हम लोग पार्क किया है, जो पार्किंग का वो है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। ठीक है, वहाँ पे जाने वाले हैं।
ये देखिए, और यहाँ से ये अंदर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई रिक्शा आपको मिल जाएगा, आपका जहाँ गाड़ी का पार्किंग है वहाँ पे आपको पहुँचा देगा। चलिए, यह इधर है शुद्ध पानी पीने का जल, चलते रहिए। यह है लता मंगेशकर चौक, और उधर पार्किंग का वो है। इनको ज़्यादा धूप लग रही है, धूप बहुत ज़्यादा लग रही भाई, इसलिए मैं अपना जॉकेट निकाल के ओढ़ लिया हूँ भाई। बहुत ज़्यादा धूप है इधर, बहुत ज़्यादा गर्मी में आप बहुत शाम को आइए या तो एकदम सुबह में आइए। अभी इधर से हम लोग निकलेंगे, यहाँ पे 100 रुपए नहीं, उधर पे जहाँ पे हम लोग पार्किंग किए थे वहाँ पे 100 रुपए देना पड़ता है। तो अभी एग्जिट मार रहे हैं हम लोग, इधर से निकल गए हैं घर की तरफ। बंदे लोग सब हैं इधर पे अपने भाई साहब, अंकित इधर हो ब्रो, बैठे हुए हैं, बाय बाय बाद में करो। तो दोस्तों हम लोग घर की ओर निकलते हैं, तो रास्ते में लगी रहती है भूख, तो हमें मिलता है एक ढाबा जहाँ पे हम लोग रुक के अपना भोजन या फिर खाना हम लोग खाना है खाते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद घर की ओर फिर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग पहुँचने हैं अभी घर पे, अभी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं घर पे। और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कैसे और कौन सा वीडियो बनाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जय श्री राम, हर हर महादेव।